हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पेयजल संकट गहरा गया है, हालत गंभीर होते जा रहे हैं। हल्द्वानी में प्रचंड गर्मी और पानी की कमी के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन जल संस्थान में लोग पहुंच रहे हैं और पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हालात में अब जल संस्थान के अधिकारी भी बगले झांकने लगे हैं। बारिश न होने और गर्मी के बीच गोला नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम यह है कि अब शहर की आधी आबादी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर नैनीताल जिलाधिकारी वंदना का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर दौड़ रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि पानी की बर्बादी ना करें। उन्होंने कहा कि नलकूप में मोटरें 20 पेयर के तौर पर रखी गई हैं ताकि पानी की आपूर्ति बाधित ना हो पाए। वहीं जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्य भी जल्द पूर्ण कर लिए जाएंगे ताकि पानी की किल्लत का संपूर्ण समाधान हो सके। लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरीफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है, वहाँ JJM के काफ़ी सारे काम ऑनगोइंग है, उनसे समाधान होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।